मैं हूं आशुगीन कुरेशी, आप देख रहे हैं जेपीएन 7 न्यूज। बात अब जनपद अमरोहा की। अमरोहा में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां देर रात प्रेमिका ने प्रेमी को सिम देने के बहाने से अपने घर बुलाया। इसके बाद उसके भाई और पिता ने युवक को गोली मार दी। यूपी के अमरोहा में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां देर रात प्रेम प्रसंग में जींस कारीगर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। प्रेमिका ने उसे बहाने से अपने घर बुलाया। इसके बाद युवती के भाई व पिता ने उसे गोली मार दी। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस मामले में प्रेमिका समेत 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये घटना थाना सैद नगली क्षेत्र के गाँव ढक्का कॉलोनी की है। 23 साल का वेश मलिक दिल्ली में जींस कारीगर था। वेश का गाँव की एक युवती अक्षा से प्रेम प्रसंग चल रहा था। युवती के परिजन इस बात से खफा थे। वेस 2 दिन पहले ही दिल्ली से घर आया था। पिता जफरुद्दीन का कहना है कि मंगलवार रात अक्सा ने सिम देने के बहाने वेस को अपने घर पर बुला लिया। वहां अक्सा, उसके पिता इरशाद और भाइयों नवाजिश व अयान ने वेस को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई करने लगे। इस बीच वेस उनके चुंगल से छूटकर घर के बाहर तक आ गया। तभी उन लोगों ने उसे एक के बाद एक कई गोली मार दी। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उधर फायरिंग की आवाज सुनकर गांव के तमाम लोग घटना स्थल पर पहुंच गए। वेस का लहूलुहान शव उन लोगों ने पड़ा हुआ देखा। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अक्षा व वेस के मोबाइल भी कब्जे में ले लिए गए। एएसपी राजीव कुमार सिंह ने मौके का मुआयना किया। थानाध्यक्ष वरुण कुमार ने बताया कि वेस व अक्षा के बीच प्रेम प्रसंग की चर्चा है। दोनों के मोबाइल की कॉल डिटेल निकाली जा रही है। फिलहाल तहरीर के आधार पर अक्षा, उसके पिता इरशाद, भाई नवाजिश व अयान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अमरोहा से आशुकीन रिपोर्ट। कल रात्रि थाना सैद नगली क्षेत्र में दो पक्षों में विवाद हुआ था। इस घटनाक्रम में एक व्यक्ति की गोली लगने से मृत्यु हुई थी। प्रकरण में मौके पर पुलिस बल द्वारा पहुंच के वैधानिक कार्रवाई की गई है। प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया है और आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली गई है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। अभी पूछताछ की कार्रवाई चल रही है, पूरे प्रकरण में जांच करके आगे कार्रवाई होगी। इसमें कितने लोग? जो मुकदमा है वो 4 लोगों के विरुद्ध लिखा गया है, आरोपी हिरासत में है।